तो सबके साथ 3 बजे से क्लास है ना? ठीक, हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, हमने कल की बात करी थी कल तक, उसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, अब सुपरपोजिशन बेसिकली देखो क्या होता है। सुपरपोजिशन का मतलब ये हुआ कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक वेव ये ऐसे चल रही है, ठीक है, एक वेव, दूसरी वेव जो है को मान लिया भाई। अगर मैं इन दोनों वेवों का सम देखूं, दोनों को जोड़ के एक वेव बने, तो जो एक वेव बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। और यहां पर अगर मैं इसे बाई बोलूंगा तो बाई बराबर होगा बाई वन प्लस बाई टू। ठीक है, जहां बाई होगा बाई वन प्लस बाई टू। यहां पर जो दोनों वेव हैं, इन दोनों वेवों का क्या हो गया? दोनों वेवों का सुपरपोजिशन, यानी कि दोनों वेव मिलके एक वेव बन गई, तो इन वेवों का क्या हो गया? सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। ठीक, उसके बाद में हेडिंग पड़ेगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो सबसे पहले ये इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब हो गया, अगर दो वेव मिलके कोई एक वेव को बनाए तो उसे बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। जब कोई दो वेव मिलके एक वेव बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसे उतारने के बाद में हेडिंग डालना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, और फिर उसमें हम लोग लिखेंगे इंटरफेरेंस। देखना When two light waves of exactly equal frequency Having constant phase difference with respect to time traveled in same direction and superimpose with each other
दो वेव हूं कांस्टेंट फेज की। कांस्टेंट फेज का मतलब क्या है देखो भाई, फेज का मतलब है ये भी यहां से स्टार्ट हो दूसरी भी यहां से, ये इसको यहां काटे दूसरी भी इसको यहीं काटे, क्या बोलेंगे उसे कांस्टेंट फेज। फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी का मतलब है जितने एक सेकंड में ये बाई वन चक्कर लगाए उतने ही कौन लगाए बाई टू, अगर दोनों सेम चक्कर लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ऐसी वेव जो आपस में मिलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, इंटरफेरेंस, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कॉन्स्टेंट फेज होना चाहिए, कॉन्स्टेंट क्या हो फेज, दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या हो सेम फ्रीक्वेंसी सेम। अगर मैं देखो अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात करें, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इंटरफेरेंस दो प्रकार की होती है। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर कंस्ट्रक्टिव का मतलब हिंदी में बोलते संपोषी, डिस्ट्रक्टिव मतलब होते हैं विनाशी। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, मैंने कहा मान लो एक वेव तुम्हारी ऐसे गई, ठीक है, एक दूसरी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज डिफरेंस, या फेज डिफरेंस दोनों का क्या हो कांस्टेंट। देखो ये भी ऊपर ये भी ऊपर, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं आपस में, ये दोनों आपस में मिली, इसको मैंने मान लिया सर जी मान लो y1 है, इसको मैंने कह दिया मान लो y2 है, अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या कुछ ऐसी आएगी, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला y बराबर y1 प्लस, यानी कि ये दोनों मिलके जो इसका एम्पलीट्यूड है और एक इसका एम्पलीट्यूड है, अगर इन दोनों को मिला दिया तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा ज्यादा ज्यादा, तो इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके बाद में आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है एक वेव तुम्हारी ऐसी है, दूसरी जो वेव है वो तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन, एक ऐसी है एक ऐसी, देखो अपोजिट ये ऊपर ही नीचे, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ऊपर वाले से क्या हो जाएगा नीचे वाला कैंसिल ऑफ हो जाएगा, कैंसिल ऑफ, देखो और नीचे वाले से कौन कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाला, तो यहां पर तो तुम्हें वेव मिल रही थी, लेकिन यहां पर जो कि एक दूसरे से अपोजिट है, अपोजिट है, अगर इक्वल हो अपोजिट होगा, मुझे बताना अगर ये वाली ज्यादा होगी ये वाली क्या होगी कम, ठीक है, तो 100% नीचे थोड़ी सी ज्यादा बचेगी ना, इतनी थोड़ी ना बचेगी कि इससे ज्यादा हो जाएगी या इससे ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसी मैंने कहा मान लो अगर ये वाली थोड़ी ज्यादा है ये कम है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसमें से ये घटा दूं ये थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन तो कमी तो बचेगी, तो अगर कम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव, और हिंदी में बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं व्यतिकरण, हिंदी में बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं संपोषी, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, एक विनाशी व्यतिकरण और एक संपोषी
ठीक है। अब देखो मैंने कहा मान लो मेरे पास दो वेव है, एक वेव क्या है बाई वन बराबर ए साइन ओमेगा टी, बाई टू बराबर ए। मैं अगर दोनों वेव्स को मिला दूं बाई वन प्लस वाई, ये है मेरा ए साइन ओमेगा टी और ये है मेरा बी साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ठीक है। सती देखो तुम्हें ये डेरिवेशन याद नहीं करना किसी भी चीज, अगर मैं यहां पर इसे ऐसे ही लिखूं सर साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो ए साइन ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तुम्हें ये तैयार नहीं करना है किसी भी केस में, ठीक है। मैं तुमको करा दे रहा हूं, इसको तैयार नहीं करना। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी यहां पर भी, अगर मैंने बी की यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया आपको सर मैंने क्या किया यहां पर ये क्या है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। मैंने यहां पर साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा ए, साइन ओमेगा टी यहां बचा तो क्या बचा बी कॉस प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन, ठीक है। अब जरा सोचो सर अगर मैं इसकी बात करूं ये ए प्लस बी कॉस फाइव, इसको मैं मान लू ये लैग कर रहा है, मैंने माना है ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर देखो बी साइन फाइव, तो बी साइन फाइव को मैंने माना है ए साइन थीटा। इसमें अगर मैं पुट करूं तो साइन ओमेगा टी ऐसे ही ए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी ऐसे ही साइन, ए साइन ओमेगा टी मैंने ए कॉमन लिया यही कौन। अब देखो ये वाला फार्मूला बन गया क्या फार्मूला बन गया ए ऐसे ही ये बन गया साइन ए प्लस बी, यानी कि देखो साइन ए देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन तो साइन ए प्लस बी ये मेरा रिजल्ट है। तुम क्या करो ऐसा करो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो इसे इक्वेशन, मैं तुमसे यदि ऐसे कहूं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट ये तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस फाइव, हाँ कॉस फाइव प्लस बी साइन फाइव का होल स्क्वायर बराबर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो एक तो ये जोड़ेंगे इधर वाला और दूसरा जोड़ेंगे ए साइन थीटा का, अब इसे खोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
plus 2a plus 2a is equal to b square sin square a square cos square theta. अगर तुम यहां देखो ए स्क्वायर और यहां देखो बी स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर ए स्क्वायर कॉमन हो गया, यहां बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, यहां पर भी बन यहां पर भी बन। तो बेसिकली मेरा आंसर आया ए स्क्वायर बराबर तुम्हें बस खाली ये याद करना है ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, सिर्फ इतना याद करना है। इतना याद करो, लिखो पढ़ाना, फिर मैं इसे नोट कराऊंगा। ये तो हम बढ़ते हैं इसका ईडब्ल्यूएस डाला जनरल डाला क्या ईडब्ल्यूएस डाला ईडब्ल्यूएस डाला अच्छा तो नवारे कौन सा हो गया कल ही लास्ट डेट समझो और कल आता है देखो इस चीज को समझो मैं ये कह रहा हूं सर देखो मैंने दो वेव ली एक वेव सर ये ली और एक वेव ये ली ठीक इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है फाइव फेज डिफरेंस ही तो फाइव है इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए इसका एम्पलीट्यूड कितना है बी अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो जो नई वेव बनी वो ये बनी नई वेव बनी वो क्या बनी ए साइन ओमेगा टी प्लस अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं जल्दी तो एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या आ रहा है
इस पहली वाली वेव का क्या था ए, दूसरी वाली वेव का क्या था बी, तो क्या आ रहा है एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, जहां cos phi क्या है फेज डिफरेंस। अब सब समझ में नहीं आ रहा है कैसे फेज डिफरेंस। जैसे मान लो मैंने कहीं तुम्हें ये कह दिया, ठीक है, मैंने कहीं तुम्हें ये कह दिया, मैंने कोई इक्वेशन दे दी, मैंने कहा phi sin 3t, सिर्फ इतना दिया है, ठीक है 3t, मैंने कहा by 2 = 4 sin 3t plus pi by 6। अब बताओ फेज डिफरेंस क्या है, तो फेज डिफरेंस तो फेज डिफरेंस में दिक्कत हो गई, इसमें से ये घटा दिया, ठीक है, अगर इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो 3t pi by plus pi by 6 minus 3t आएगा, 3t से 3t कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा pi by 6। लेकिन अगर यहां पर क्या होता pi by 4, अब क्या होता फेज डिफरेंस pi by 4, pi by 4 नहीं, अब क्या करता इस, अब भी तो सब वही करोगे 3t plus pi by 6 minus ये घटाओगे तो minus plus minus इसमें से ये घटा दो आगे फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जब भी निकालोगे, फेज डिफरेंस जब भी निकालोगे तुम्हें क्या करना है उसमें से उसे सबट्रैक्ट करना है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों की गुणा इनटू फेज डिफरेंस जो क्या आएगा फेज, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इंटेंसिटी, अब उसके बाद तो ये हो गया एम्पलीट्यूड हो गया, अब मैं बात करता हूँ देखो इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी सर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये मैंने जब हम लोग मॉडल फिजिक्स पढ़ा रहे थे ना उस समय मैंने प्रूव भी करवाया था, ठीक है, इंटेंसिटी, कोई लाइट गिर रही थी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उस टर्म लॉजिक को मैंने कराया था और मैंने कहा था अगले आई सब तुम बता दोगे, तो तुमको बस इतना याद रखना है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मुझे बताओ तुम बोले इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मैंने कहा कहा सही है, सही है, तुम बोले सर चाहो तो a बराबर अंडर रूट a ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा ठीक है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले ठीक है सर। अब मुझे बताओ सर अगर मैंने ये कर दिया, अगर मैं इसका मतलब ये है कि a भी तो अंडर रूट आई है, अगर मैं यहां पर a दूं पहला एम्पलीट्यूड है, पहली वेव का पहला एम्पलीट्यूड क्या है a, तो इसको मैं चाहूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई है, मैंने कहा पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a, तो मैंने इंटेंसिटी क्या मान ली उसकी i, मैंने कहा दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड b, उसकी इंटेंसिटी क्या मानूंगा i माइनस का आई माइनस का। अब समझ अगर वो वाला फार्मूला देखो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, अब जरा देखो सर ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ बराबर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर सिर्फ क्या हो जाएगा आई, इसका स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा ए को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट आई, बी को अंडर रूट आई इनटू कॉस पाई, ये किसका फार्मूला आया इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी का आया ये किसका आया इंटेंसिटी, जैसे एम्पलीट्यूड में होता था एम्पलीट्यूड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस पाई, ऐसे ही इंटेंसिटी में होता है आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस पाई कॉस, ठीक। उसके बाद में एक एक करके बात करूंगा,
constructive interference. ठीक है, अब देखो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, अब तुम्हारे दिमाग में आया सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है? देखो एक वे भी है, दूसरी वे भी है, दोनों के बीच बताओ फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। देखो जीरो फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई की वैल्यू क्या हो? जीरो। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर अगर मैं देखूं एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर बराबर तुम बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इनटू कॉस फाई है, फाई की वैल्यू क्या है? जीरो। अगर ये जीरो तो सिर्फ क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब तुम बोले ये तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तुम बोले ये तो मैं जानता हूँ सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। yes. मैंने कहा ठीक है, बोले होल स्क्वायर होल स्क्वायर काट दो। तो ये क्या है? ए बराबर ए प्लस बी। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए मैक्सिमम, यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी होता है, ए प्लस यही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। सर एम्पलीट्यूड की बात कर ली, अब मैं किसकी बात करूँ? इंटेंसिटी। तुम बोले सर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है आई वन प्लस आई टू टू अंडर रूट आई वन आई टू, फाई की वैल्यू जीरो। जीरो तो बोले जीरो होगा सर। हाँ। बोले कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, ये वन हो गया। कुछ ये दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखो अगर मैं आई को लिखना चाहूँ अंडर रूट आई का स्क्वायर लिख सकता हूं, अंडर रूट आई का स्क्वायर आई तो आएगा। ऐसे ही इसे लिखना चाहूंगी आई वन का स्क्वायर आई टू का स्क्वायर, और ये तो है ही टू आई वन। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसका मतलब सर यहां पर जो फार्मूला बना वो बना अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट का स्क्वायर, और यहाँ का होल स्क्वायर करो तो मैंने करने के लिए बता दिया था, तो वही तो रहेगा आई ही। और यही क्या है? मैक्सिमम आई मैक्सिमम। ठीक है, या फिर तुम अगर इसे ऐसे करना चाहो अंडर रूट आई वन का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म कर दिया तो फार्मूला क्या है? अंडर रूट आई बराबर अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू। अब कोई अंडर रूट आई अंडर रूट मत काट दे, वो तब कटता जब पूरे के ऊपर होता है। ये हाँ कहीं तुम्हारे दिमाग में आया तो काट दो। ये ऐसे और इसको अगर ऐसे भी लिखो, मान लो अगर तुम इधर स्क्वायरिंग करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो आई बराबर अंडर रूट आई वन आई टू का। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ये कंस्ट्रक्टिव के बाद हम लोग डिस्ट्रक्टिव की बात करें।
सर अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, तुम बोले डिस्ट्रक्टिव तो कब होता है, एक इंफर हो और ये कहां हो, ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच में, देखो डिगोसिस आप पूछ ली, यानी कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ही 180 है, तभी तो अलग अलग होंगे, तभी तो अपोजिट होंगे, जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, 180। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम बोले ए स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव का मतलब कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस यानी के सभी ये जो आया a माइनस b का स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ये मिनिमम है a माइनस क्या मैं इंटेंसिटी इसी प्रकार से लिखूं या फिर से वही 180 बनाऊं, फिर से बनाऊंगा फिर माइनस आ जाएगा, तो अगर मैं इसमें इंटेंसिटी लिखना चाहूं, ठीक है इंटेंसिटी, तो पहले तरीका तो ये है कि अंडर रूट i मिनिमम बराबर अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2, या फिर मैं i मिनिमम करूं तो अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए i का इसका, ठीक है। और सब बच्चे स्कूल से आते हैं क्या? इनवर्टीज़ वगैरह मिलता है, इनवर्टीज़ में भी आया है।
मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिव है यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। अभी देखो निकल के आया था a प्लस b और a मिनिमम कितना निकल के आया था a माइनस b। ये है i मैक्सिमम, ये है i अब i मैक्सिमम सर खुद बताओ i मैक्सिमम क्या था अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर और मिनिमम था अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। तो मैंने दोनों को ऊपर होल स्क्वायर ले लिया। अगर इसको मैं उधर पटकूं ठीक है तो ये उधर जाके इस पर अंडर रूट चला देगा यानी कि a मैक्सिमम बटे a मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट i मैक्सिमम बटे r मिनिमम। ये तो हो जाएगा। अब देखो साफ एक फार्मूला बस तुमको याद करना है, तुम्हें खुद बताना है सर a मैक्सिमम बटे a मिनिमम a मैक्सिमम a मिनिमम a प्लस b a माइनस b ठीक a मैक्सिमम बटे a मिनिमम अंडर रूट i मैक्सिमम अपॉन i ये हो गया। यस सर। अब देखो i मैक्सिमम बटे i मिनिमम i मैक्सिमम बटे i मिनिमम यही तो है। यस सर। सर अगर मैं इसको लिखूं तो i मैक्सिमम i मिनिमम की जगह अंडर रूट तो पहले से था ही ना। खुद देखो कुछ मुझे बताओ ये तो लिख दिया तुमने कुछ मुझे बताओ अगर मैं यहाँ अंडर रूट लगाऊंगा सही है इस के ऊपर भी तो अंडर रूट लगाऊंगा दोनों तरफ अंडर रूट लगाऊंगा अंडर रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा। अंडर रूट से जब स्क्वायर गायब हुआ इसका मतलब सर ये हुआ कि अंडर रूट आई मैक्सिमम आई मिनिमम बराबर क्या बचा अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू अंडर रूट आई वन जो तुमको याद है ये वाला तुमको याद है ठीक है। अब कैसे अगर क्वेश्चन में मैंने तुम्हें a मैक्सिमम a मिनिमम दे दिया और तुमसे i मैक्सिमम i मिनिमम पूछा तो ये दोनों लगाओगे। मैंने तुमसे क्वेश्चन में a b दे दिए और मैंने तुमसे i मैक्सिमम i मिनिमम पूछा तो ये लगाओगे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन में i1 i2 दे दिए और मैंने तुमसे a मैक्सिमम a मिनिमम पूछा तो ये और ये लगाओ ठीक है। ऐसे ये फार्मूला तुमको लगाने और मान लो मैंने फेज डिफरेंस खुद दे रखा है तब कौन सा लगाओगे भाई फेज डिफरेंस जिसमें क्या होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
सर्वोच्च देखो इस क्वेश्चन में दो क्या दे रखे हैं, इंटेंसिटी दे रखी है, तुमसे पूछ रहा है। देखो दो इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया कि तुम्हें एक आई वन पता है और एक तुम्हें आई टू पता है। आई वन है आई नॉट, आई टू है फोर आर। तुमसे कहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि आई मैक्सिमम आई मिनिमम पूछा है और आई वन आई टू पता है, तो 100% ये वाला फार्मूला लगाओगे, ये तो लगाएंगे हम लोग। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट, ठीक है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर अंडर रूट आई वन आई नॉट प्लस, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट फोर आई नॉट बटे अंडर रूट आई नॉट। ठीक है, ये हो। अब देखो आई नॉट ऊपर भी कॉमन ले लो, आई नॉट नीचे भी कॉमन ले लो। अगर आई नॉट कॉमन लिया तो यहां पर बचा वन, वन तो बचा, और यहां आई नॉट कॉमन लिया तो यहां फोर बचा, तो फोर का क्या आ गया टू, फोर के अंदर हुई तो था तो टू आ गया। यहां पर आई नॉट कॉमन लिया तो यहां पर भी वन बचा और यहां पर भी कितना आ गया I नॉट से I नॉट कट गया तो तीन बटे माइनस तो आया। अगर मैं I मैक्सिमम अपॉन क्या लू I मिनिमम, तो इधर यहाँ अंडर रूट ही तो है, अंडर रूट को उधर पटकूंगा तो वो किस में बदल जाएगा स्क्वायर में, यानी कि I मैक्सिमम I मिनिमम हो जाएगा नौ बटे एक हो गया। देखो तीन तीन नौ माइनस एक कितना हो गया एक। अब अगला तुमसे क्या पूछा गया, आप सोचो सजी तुमको जो पता है, तुमको क्या पता है, तुमको ये पता है, देखो ये पता है और क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो क्या करो ए मैक्सिमम ए मिनिमम अंडर रूट आई मैक्सिमम आई मिनिमम क्या है, आंसर क्या आएगा तीन बटे सिंपल। देखो खुद बताओ मुझे आई का आई टू पता थे, मुझसे आई मैक्सिमम आई मिनिमम पूछा तो मैंने ये कौन लगा दिया। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे एम्पलीट्यूड पता होते, एम्पलीट्यूड पता होते और तुमसे पूछता यही आई मैक्सिमम आई मिनिमम, तो एम्पलीट्यूड पता होते तो ये दोनों लगाते, यहाँ इंटेंसिटी पता थी इसलिए ये दोनों लगाए। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन में मुझसे क्या पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का तो दो तरीके हैं, या तो तुम फिर से ये और ये लगाओ क्योंकि आई वन आई टू बताए, ये दूसरा तरीका ये है कि सर तुम ये और ये लगा दो क्योंकि तुमने यहां से ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो मैंने वही किया और यहां पर लिया हमारा आंसर।
दोनों का दो वेव मैंने दे रखी है, तुमसे क्या पूछा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा कि इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। सही है? अब देखो, तुम्हें दो वेव दे रखी है, एक वेव तुम्हारी ये है, दूसरी वेव बिल्कुल सही। जो वेव कोई भी अगर हम वेव लिखते हैं तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ऐसे भी लिखते हैं। यस। तो सर जी, अगर y इक्वल टू a, a की जगह क्या है? 4। एक एम्पलीट्यूड 4 हो गया। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? 3 हो गया। यानी कि सर अगर मैं कहूं a बराबर मेरा 4 है और b बराबर क्या है मेरा 3। अब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? इसके साथ एंगल क्या है? ओमेगा t। इसके साथ है ओमेगा t प्लस पाई बाय 3। ठीक है? तो तुम क्या करो, इसमें से ये वाला घटाओ तो तुम्हें फेज डिफरेंस आएगा। अगर इसमें से ये घटाओगे तो तुम्हें फेज डिफरेंस आएगा, वो आएगा पाई बाय 3। पाई का मान कितना होता है? 180। 180 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा बोलो? 60। अब निकालो सर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos a स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 24। cos 60 का मान क्या होता है सर? 1/2। तो 16 प्लस 9 प्लस 24 गुणा 1/2, 25 प्लस 12, 5 और 2, 3 और 2, 2 और 1, 3। तो अगर मैं a की बात करूं तो अंडर रूट, ये तो आंसर आता है अंडर रूट। तो इसमें तो कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, 6 से थोड़ा सा जाता है, लगभग 6 से थोड़ा सा बी ऑप्शन, ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है। अब देखो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव में के एक वेव के बराबर है, ठीक है? तो इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, मान लो दो सहेली, ठीक है? सहेली मतलब फ्रेंड है, वो दोनों मिलके एक साथ काम। अच्छा, सहेली सहेली क्यों होती है? तो हर किसी से तो फ्रेंडशिप नहीं होती है ना, कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं उन्हीं से होते हैं, क्योंकि तुमसे तुम्हारी ट्यूनिंग मैच कर रही हो। अगर तुम्हारी उनसे ट्यूनिंग मैच नहीं करेगी तो आप उनकी फ्रेंड सर्कल में रह ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से, ठीक है? ट्यूनिंग मैच करने का मतलब क्या है? तो वो इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस का मतलब हो गया सर दो वेव मिलकर क्या बनाए? एक बनाए। दो वेव मिलकर क्या बनाए? एक। इसका मतलब ये है जो पहली वेव है पहली ये होगी, दूसरी ये होगी,
दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब जो ये वाली कहे वही ये वाली कहे, तभी तो दोस्ती होगी। अच्छा दूसरी चीज, दोनों की दोनों का फेज डिफरेंस भी क्या हो, सेम हो, फेज डिफरेंस भी सेम हो, और अगर एम्पलीट्यूड सेम हो जाए दोनों का, तब तो कुछ कहने की बात नहीं, तो मजा ही आता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन इंटरफेरेंस की, यानी कि दो वेवों को मिलने की, वो क्या है वो लिखो, ठीक है ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहले लिखना, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, ये है नहीं थी, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन पहला लिखना इसमें, नेसेसरी कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्स एस ओ यू आर सी, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, सी ओ एच ई आर ई एन टी कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है वो सोर्स जो एक सेम फ्रीक्वेंसी की, इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, सेम फ्रीक्वेंसी की जो वेव को उत्पन्न करे उसे हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, ये नहीं कि अभी कोई सी और फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी देर में कुछ और फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, या अभी कुछ और वेव लेंथ है, बाद में कुछ और वेव लेंथ होगी। दूसरी बात, जिसकी इंटेंसिटी कम ना हो, ऐसा ना हो कि अभी तो कम ज्यादा ग्लो कर रहा है, थोड़ी देर में कम ग्लो करे, ऐसा भी नहीं, सेम ग्लो करे, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव निकाले, अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करेगा, सेम ग्लो करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कैसा है, कोहेरेंट सोर्स है और कंटिन्यूसली करता जा रहा है, कंटिन्यूसली करता जा रहा है, ठीक है, उसे हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अगला लिखना सेकंड, इसी में सेकंड, सेम फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, same frequency or wavelength. अगला लिखा, amplitudes are equal, और amplitude क्या हो, उसके equal हो, यानी कि समान हो, and amplitudes are equal. अगला है हमारा बाई डी एस सी, ठीक है, बाई डी एस सी को बोले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पूरे इंटरफेरेंस के आधार पे, देखो सर जी अब क्या है, मैंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, ठीक है, हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है जिसकी वेवलेंथ सेम वेवलेंथ, कोहेरेंट सोर्स है और कोहेरेंट सोर्स से कोई एक मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है, उसकी मतलब वेवलेंथ उसकी सेम है। एक मैंने एक सोर्स लिया, ठीक है, अब इस सोर्स के बाद में यहां से मैंने स्लिट्स ले ली, एक स्लिट ये, एक स्लिट ये, इसे बोला एस वन और इसे बोला, यहां पर एक स्क्रीन होगी, स्क्रीन होगी, अब देखो तुम बोले सर ये गोल सोर्स है, तो गोल गोल टाइप की मिलेगी, ठीक है, इसे तो लिखेंगे। अब
अब यहां पर आया, अब यहां से सभी ऐसे निकलेंगे। और डार्क का मतलब ही होता है
डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है। हाँ तो ब्राइड का मतलब कंस्ट्रक्टिव, यानी कि दो बे में मिलके एक बे बन गई, एक बे मिलने तो ज्यादा ज्यादा हो गया, तो कौन सी होगी कंस्ट्रक्टिव। इसने एक दूसरे को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो कौन सी आ गई सर, डिस्ट्रक्टिव आ गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया। ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं सर एक में डबल स्लिट की, आप ही बोले अभी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है d, दोनों के बीच की दूरी d कैपिटल d। सर एक स्लिट s1 एक स्लिट s2 इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d ठीक है स्मॉल d। अब सर अगर मैं देखूं इन दोनों का बीच का बिंदु, याद रखना चाहे कुछ भी हो बीच में हमेशा क्या मिलेगा ब्राइट, बीच में हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा ब्राइट। अब सर जी मैंने कोई एक बिंदु मान लिया P, अगर मैं यहां से लेके यहां पर इसको ऐसे मिलाया ठीक है ऐसे मिलाया, ये तो सर्च में बहुत किया होगा ये ठीक है। मैंने क्या किया यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री, और अगर ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल क्या होगा थीटा, तो ये वाला बिंदु कहलाएगा पाथ डिफरेंस। जैसे मैंने इसे P मान लिया, अब सर पाथ डिफरेंस क्या होता है ये बता दीजिए। तो पाथ डिफरेंस का मतलब ये है देखो तो अगर ये वेव यहां से यहां तक गई ऐसे गई ऐसे तो गई है, एक वेव यहां से यहां तक गई, मैंने कहा इन दोनों वेव में 100% ये वाली वेव ज्यादा चली ये वाली वेव कम चली, अगर ये वेव ज्यादा चली है ये ज्यादा चली है ये कम चली तो कितनी ज्यादा चली है, तो कितनी ज्यादा चली है तो क्या करोगे एस टू पी में से कौन सा घटा दोगे एस वन पी, जिसे हम बोलेंगे सर पाथ डिफरेंस। S2P minus S1P. अब क्या यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला तो जितना ये दूरी हुई यही क्या कहलाएगी तुम्हारी पाथ डिफरेंस कहलाती है, यही दूरी क्या कहलाती है पाथ डिफरेंस ठीक है, यही दूरी कहलाएगी तुम्हारी पाथ डिफरेंस, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी तुम्हारी बराबर ठीक है, वो वाली जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी क्या होगी बराबर। अब तुम बताओ सर ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या है 90 के सामने हाइपोथेनियस या कर्ण होता है हाइपोथेनियस या फिर कर्ण, और थीटा के सामने लंब होता है, ऐसा फार्मूला रखो जिसमें परपेंडिकुलर और क्या है हाइपोथेनियस, तुम बोले चुपचाप सर साइन थीटा, मैं बोला साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स है और हाइपोथेनियस क्या है तुम्हारा स्मॉल डी, तो डेल्टा एक्स का फार्मूला ही आया तुम्हारा डी साइन, यानी कि सर पाथ डिफरेंस आया तुम्हारा डी साइन। अब देखो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी को बाई ले लिया, ये एंगल क्या है थीटा, ये दूरी दोनों के बीच में क्या है कैपिटल, तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में दूं तो मुझे क्या पता है लंब पता है और क्या पता है आधार, तो मैं लगाऊंगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर बाई अपॉन, अगर एंगल बहुत छोटे हो एंगल बहुत छोटे हो तो साइन थीटा हटा के सिर्फ क्या कर दो थीटा, एंगल बहुत छोटे हो तो थीटा कर दो साइन वो टेन हटा दो बाई अपॉन डी, यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो मेरा जो पाथ डिफरेंस आया
वो टी ऐसे ही ठीक है वाई अपॉन या लिखना चाहो तो वाई डी अपॉन डी। बस तुमको ये याद करना है कि वाई डी एस सी में जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है वो होता है वाई डी अपॉन डी। ठीक है नीचे क्या है कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है कैपिटल डी है सिलेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी। स्मॉल डी क्या है दो सिलेक्ट्स के बीच की दूरी या दो सिलेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। ठीक है अब हम बात कर रहे हैं ब्राइट फ्रिज की। सर ब्राइट फ्रिज तो वो ब्राइट फ्रिज पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिज। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिज का मतलब क्या है सर ये सेंटर है यहां ब्राइट फिर क्या होगा डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट यही तो है। तो हर जगह ब्राइट की कोई ना कोई पोजीशन है। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊंगा ब्राइट के बाद डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क तब भी पोजीशन है। तो यहाँ पर ये क्या है पोजीशन। अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिज की तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा सर एन लैम्डा। अब मैं जानता हूं सर जो मेरा पाथ डिफरेंस का फार्मूला आया था वो आया था फिर आया था वाई डी अपॉन यही तो था डी। अगर वाई डी अपॉन डी था मैंने क्या दिया अगर मैं ब्राइट फ्रिज मुझे लेना है ब्राइट फ्रिज तो डेल्टा एक्स की जगह मैंने लगा दिया एन लैम्डा यहां हो गया बाई डी अपॉन तो बाई बराबर एन लैम्डा डी अपॉन एन कहां से कहां जा रहा है असर समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये फार्मूला है मुझे बताओ अगर मैं एन बराबर जीरो रखूं तो पूरी वैल्यू जीरो तो सर जी मुझे सेंटर पर क्या मिल रहा है ब्राइट ही तो मिल रहा है। उसके बाद में अगर मैं फर्स्ट ब्राइट की बात करूं तो एन बराबर क्या रखूं वन मैं इधर ऊपर और इधर ऊपर जाओगे तो प्लस वन नीचे जाओगे तो अगर मैं यहाँ प्लस वन रखूं तो लैम्डा डी अपॉन डी यानी कि ये दूरी होगी वो होगी लैम्डा डी अपॉन डी। अगर मैं दो रख दूं ऊपर जा रहा हूं दो रख दूं तो टू लैम्डा डी अपॉन डी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी टू लैम्डा डी अपॉन
अगर मैं माइनस टू रखूंगा तो यहां से कौन सा बेल आएगा, दूसरा बेल यही तो बेल आएगा, तो ये दूरी होगी, ठीक है। तो नीचे जाएंगे तो माइनस ले लेना, ऊपर करना तो प्लस ले लेना, ठीक है। ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ बेल। उसके बाद पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, अगर मैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज कहूं तो डेल्टा एक्स का जो फार्मूला है ना वो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई, जहां n की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे चलते, ठीक है। अब देखो सर, पाथ डिफरेंस का वैसे जो फार्मूला था वो बाई डी अपॉन डी था, बराबर 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा। अगर मैं यहां पर बाई की वैल्यू लू तो 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन क्या आएगा नीचे 2d। अब ध्यान रखना इसमें जो n की वैल्यू है ना वो कहां से जा रही है सर, प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब जरा सोचो सर, अगर मैं प्लस 1 रखूं, प्लस 1 का मतलब क्या है, यही तो 1 है, हां। क्या इसमें n बराबर 0 है, नहीं क्योंकि n बराबर 0 पर मुझे ऑलरेडी क्या मिला है, राइट मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए सर यहां पर, डार्क के लिए। देखो अगर मैं n बराबर 1 रखूंगा तो यही तो 1 गया, तो यहां पर अगर मैं रखूंगा n बराबर 1 तो 2 एकम 2, 2 में से 1 का 1 बचा, यानी कि लैम्डा d अपॉन, यानी कि सच्ची जो ये दूरी होगी ना वो क्या होगी, लैम्डा d अपॉन 2। अगर मैं n बराबर 2 लूं तो 2 का मतलब है मैं यहां जाऊंगा, हां, n बराबर तो n 2 2 या 4, 4 में से बन गया 3, 3 लैम्डा d अपॉन। अगर मैंने माइनस का 2 लिया इसका मतलब मैं 1 और 1, यानी कि ये दूरी हो गई, ये हो जाता है। जितना
अरे वो शरीर हमारा हमारे दिमाग के ऊपर काम करता है। तुम्हें पता है कि जैसे मान लो तुम्हें कोई चीज गर्म लगती है, ठंडा लगती है, तो क्यों लगती है? सब दिमाग का खेल है, सब दिमाग का खेल है। ठीक है, दिमाग तुम्हारा तुम्हें परमिशन देता है ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तभी तुम लोग एक बार पता है जो भी तुम इस समय देख रहे हो वो सब क्या देख रहे हो? वो सब हो चुका है वो देख रहे हो। क्योंकि मान लो अभी मैं यहाँ पर कुछ लिखूं तुम देखोगे, तो जब मैं लिख लूंगा उसके बाद में तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों से दिमाग तक पहुंचती है ना बातें। तो दिमाग जब रीड करता है तभी तो तुम रीड करते हो। ठीक है, तो कुछ माइक्रोसेकंड का गैप रहता है दोनों के बीच में। तुम्हारे कोई थप्पड़ मार दे तो जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पैर पे मारे उससे, क्योंकि पैर से नीचे से ऊपर तक जाएगा है ये, और गाल पे तुरंत दिमाग में पहुंच जाएगा उसने थप्पड़ मारा है ना। तो शरीर को अपने जिस हिसाब से ढाल लो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी तुम शरीर को इस हिसाब से ढाल लोगे कि यहाँ से जाना है घर पे, जो पहले तो इधर देखना है कि अम्मी कहाँ है, तो जो रखा है सब खा लो उसके बाद में सो जाओ। अपने शरीर को अपने हिसाब से ढाल लो। तुमने अब शरीर ऐसे ढाला होगा कि मान लो मुझे 10 बजे सोना है, ठीक, तो तुम 10 बजे सो जाओ। और मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि हाँ ये तो लाइट को 6 घंटे नींद लेना चाहिए, ये तो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 6 घंटे उनके लिए होती है जिनकी उम्र 40 पार होती है या 45 पार होती है, 45 पार होती है, 8 घंटे होते हैं। आप लोगों को मैं कहूँ 5 घंटे सो बहुत है, बस 5 घंटे सो सही है, बहुत है 5 घंटे आराम से सो लो। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम अलार्म तो लगा देते हो, तुम सोते रहते हो, कोई मतलब भी नहीं किसी प्रकार से, वही बोले बोलने को क्या आ रहा है उधर ही जाएंगे। और डेली का यही सिस्टम है, ऐसा करने से नहीं जाता है। ठीक है, तो वही है, दोपहर में कतई सोने की आदत मत डालो, बिल्कुल मत सोओ दोपहर में, बिल्कुल मत सोओ। ठीक है, और दूसरी चीज जो मोबाइल का एडिक्शन है ना उससे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी अगर एक बार यूट्यूब खुली, यूट्यूब में इंस्टा हम तो भूल जाते हैं, तुम्हारे घंटे काटने में पड़ जाते हैं अगर किसी का हॉट सपोर्ट नहीं मिले तो तुम्हें लगता है कब 12 बजे, और जो जियो वाला होता है वो तो इंतजार करते करते सो जाता है, बोले 2 बजे आएगा। देखो सबसे पहले फ्रिंजी वृत्ति क्या होती है, पहले इस चीज को देखो, फ्रिंजी वृत्ति क्या होती है, फ्रिंजी वृत्ति क्या होती है। अच्छा, जब हमने 12th किया था तो उस समय फोन थे ही नहीं और डाटा बहुत महंगा था, 199 का 1 GB मिलता था, तो इतना महंगा डाटा था और उस समय लोगों का 1 GB 1 महीने चलता भी था, ये देखो पहले 1 GB डाटा 1 महीने चलता था आराम से, 1 महीने लोग चलाते थे, तुम तो खत्म नहीं होता, पूरा पूरा महीना चला लेते तब भी खत्म नहीं होता ये था। तो उस समय ये सिचुएशन थी, तो जैसे ही हमने पास आउट करके जब मैं IIT में गया तो वहां पर अनलिमिटेड डाटा था और वहां पर वाईफाई भी वो थी, लैपटॉप को लगाने वाले ना कनेक्शन था, हर रूम में कनेक्शन था, सारे बच्चे थे जो हाँ केबल वाला डाटा वाला डाटा के डाटा के लिए, तो जितने बच्चे थे उनके सब तो बहुत बहुत पढ़ पढ़ के आए थे, तो वहां पहुंचे तो सबने पढ़ाई रखी एक साइड, सबसे पहले कोई कोई शो देख रहा है, कोई कोई शो देख रहा है, सब देख रहे जितने देख रहे पूरी पूरी रात देख रहे आराम से, बात भी कम करते थे, 11 बजे तक पर डालते थे कट जाते थे, अब तो बात चाहे सुबह लगा दो शाम तक चलती रहती,
पहले आदमी मिसकाल मारता था, नाम की चीज नहीं है। पहले मैं पता है कि एक बार 2 रुपए कौन जाती थी, 1.5 रुपए कौन जाती थी, पहले 20 रुपए का चार, 10 रुपए का चार में 6 रुपए मिलते थे, 6 रुपए कुछ पैसे थे। जब वो 6 रुपए कुछ पैसे मिलते थे तो वो जैसे बात करते, किसी रिश्तेदार से बात करनी है तो उससे बात करी, बात करने के बाद मेरे से मान लो 2 मिनट 1 सेकंड हो गए तो फोन काटते नहीं थे, कहते थे पूरे मिनट बात करो, क्या कट गया हमारे, सही है, तो कट जाते थे पूरा 1 सेकंड से ऊपर वो कट जाते थे। तो ये सारी सिचुएशन उस समय थी, तो लाइफ सही थी, आदमी खुश था, मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल की वजह से सबका टेंशन है। अब दूर की चाची कह रही है, अब वो खाला बोली है कहा जामा मस्जिद के पास वाली, तुम हमसे बात ही नहीं करती हो, पहले कोई झंझट ही नहीं था बात करने का, वो कोई ना कोई फोन करेगा बोले भाई तू तो बात ही नहीं करता, उसने मैसेज कर दिया, तुम लगता है करने का टाइम नहीं, फिर बाद में भूल गए नहीं कर पाए, तू तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। सही कह रहे हो, अब बताओ भाई अपनी जिंदगी देखो, अपना सब कुछ देखो कि तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई कब देता है, ये भी तो है भाई, कहाँ का मैसेज का रिप्लाई किया जाए, ये चीज तो उस चीज को और भी नहीं देखता है, इसीलिए जिंदगी का कलेश बन गया है। और इसके बिना आप रह भी नहीं सकते, तो एक और बड़ी समस्या है, साइंस जितनी तरक्की कर रहा है उतना ही ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़े, देखो 3 मिनट एक बार सती तुमसे कहा है फ्रिंजिबिलिटी क्या होती है बता, दो दो देखो ये ब्राइट और ये ब्राइट, लगातार दो ब्राइट के बीच की जो दूरी होती है ना उसको ही क्या बोलेंगे फ्रिंज, या फिर दो लगातार डार्क और डार्क के बीच की दूरी को भी क्या बोलते हैं लगातार फ्रिंज। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पर, ये तो सेंट्रल ब्राइट है, ये पहली ब्राइट, ये दूसरी ब्राइट, ऐसे ब्राइट चलती रहेंगी, तो कहीं पर जाके एन ब्राइट तो होगी। मैंने कहा मान लो ये एन ब्राइट है, कौन सी ब्राइट है एन, तो यहां से लेके सेंटर तक की दूरी को मैंने क्या मान लिया बाई, बाई मान लिया। इसके बाद वाली जो ब्राइट होगी बीच में डार्क होगी, फिर क्या होगी ब्राइट, उसको क्या बोलूंगा मैं एन प्लस वन ब्राइट, एन प्लस वन ब्राइट। अब बताओ यहां से लेके फिर यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया बाई एन प्लस, फिर देखो सर मैंने कहा मान लो एन ब्राइट मेरी ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया बाई एन, इसके अगले वाली तो एन प्लस वन होगी, एन प्लस वन भी ब्राइट क्या होगी तो बाई एन प्लस वन, ठीक है। अब देखो अगर मुझे फ्रिंज ब्रथ निकालनी है तो ये वाली दूरी तो फ्रिंज ब्रथ कहलाती है, मैं क्या करूं इस वाले में से यानी कि बाई एन प्लस वन में से क्या घटा दूं बाई एन। अब सब देखो एन ब्रथ पहली ब्रथ जो ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला होता था, एन वाली का क्या होगा एन एन बोलो लैम्डा डी अपॉन यही तो होगा, एन प्लस वन वाली का क्या होगा एन प्लस वन, अरे एन की जगह क्या रखूंगा एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन डी, दोनों में लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन है, यहाँ आया एन प्लस वन माइनस, तो जो बीटा आया वो आया लैम्डा डी अपॉन ये आ गई फ्रिंज ब्रथ, ठीक है। जो फ्रिंज ब्रथ का फार्मूला है वो तुम्हारा ये आया उतारो जल्दी से अब 2 मिनट पीछे आ गए।
डालिए चलो कंटिन्यू।